मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली बेस्ट बसों का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। आने वाले 4 सालों में यानी 2027 तक बेस्ट के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि रोजाना लाखों मुंबईकर बेस्ट बसों से सफर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लोकल ट्रेनों के बाद सबसे ज्यादा लोग बेस्ट की बसों में ही सफर करते हैं। वहीं मुंबईकरों का सफर आसान बनाने और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधानसभा में दी है। उन्होंने कहा कि 2027 तक बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन यानी बेस्ट की सभी बसें क्लीन एनर्जी पर चलेंगी और इसमें से ज्यादातर को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र में विधानसभा की सुनवाई के दौरान उदय सामंत ने कहा कि 3000 बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का काम और 200 बसों को सीएनजी से चलाने वाली बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बेस्ट का प्लान है कि पूरी बस सर्विस को 2027 तक गैर प्रदूषणकारी ईंधन से चलने वाली बना दिया जाए, ताकि लोगों को बेहतर और आरामदायक सफर मिल सके।